हालत कर रखी है, ये बंदर हो गया या रात को जो सुअर आते हैं ना यहाँ, तो ये देखो यहाँ ऊपर देखो आप। यहाँ पे आदमी रहेगा और यहाँ ऊपर से हम बरसाती डालेंगे, तो एक अच्छी चीज। तो आगे पे तंबू बनाना है, तो ये देखो ये ले जा रहे हैं हम लोग, तो ले चलते हैं इसको आगे पर तक। मेरे भाई भी निकाल, भाई साहब बहुत ही भारी है। तो बचाने के लिए देखो यहाँ पे तंबू खड़ा किया जा रहा है, तो यहाँ पे दाजे लगे हुए हैं, तो यहीं पे जाएंगे हम लोग और यहीं पे रखना है हमने वो सामान। तो अभी और सामान भी लेना है हमने, मतलब पूरा ऐसे बनाना है जैसे छप्पर टाइप का ना, पूरा बनाना है ताकि वहाँ पे कोई रह सके। तो रात के लिए, अब तो सुअर भी आता है तो रात के लिए वहाँ पे रहना जरूरी है। तो चलते हैं और लाते हैं। तो ये देखो मेरा दूसरा चक्कर है अभी, तो अभी इसको भी ले जाना है हमने आगे पे, तो ले चलते हैं और दादाजी के पास देते हैं इसको भी। तो देखो दादाजी ने इतना बना दिया अभी, और अभी और बनेगा इसमें, तो यहाँ ऊपर में रहने के लिए, और यहाँ से देखेंगे पूरे खेतों को, यहाँ से सारे खेत। तो अभी देखो दादी ने यहाँ पे चलने के लिए बनाया ना, ये देखो ऐसे बांध रखा है पूरा, जो ये धान है ना इसको देखो पूरा ऐसे बांध रखा है, और ताकि इसमें पाँव ना पड़ सके, मतलब यहाँ से एक रास्ता हो गया ना अभी, नहीं तो पहले ऐसे हो रहा था ना सीधे पाँव पे आ रहा था, मतलब इधर उधर इसकी बाली इधर उधर होती है तो सीधे पाँव पे आ रहा था, लेकिन अब दादी ने उसका परमानेंट जुगाड़ कर दिया है और आगे पे अभी भी कर ही रही है। चलते हैं और सामान लेके आते हैं, अभी और सामान भी है, तो काम के साथ खाना जरूरी है। आलू खाते हैं, काम तो होता रहेगा पर काम भी करना जरूरी है, काम भी करते हैं। तो अभी और सामान ले जाना है, तब तक दो आलू ले गया मैं अपने लिए। तो इस साल की पहली ककड़ी देखो, चाची लोगों की इस साल की पहली ककड़ी भी लग गई है, चलते हैं ऊपर। तो यही चीज़ है मैन, मतलब जिसके लिए इनकी रखवाली करनी है। यहाँ देखो अभी यहाँ ककड़ी भी लग गई या आड़ू उड़ू, तो बंदर आ रहे हैं और बुरी हालत कर देते हैं खेतों की, तो ज़रूरी है इनकी रक्षा करना। तो अभी जा रहे हैं नीचे और वो भी कर ही रहे हैं, काफ़ी थक गए हैं। तो अभी और सामान लेना है और साथ में आड़ू खाते हैं और सामान लेते हैं। तो छप्पर के लिए देखो ये लाए हम बरसाती, और अब इसको ऊपर में से ओढ़ा जाएगा, और नीचे का काम तो सब हो गया है, और इसको ऊपर से थोड़ा ओढ़ा जाएगा ताकि रात को ना वहाँ पे रहने के लिए ठीक ठाक हो जाए। तो इसको ले चलते हैं वहाँ पे, तो इससे एक अच्छी बात ये रहेगी ना कि कम से कम खेती तो बची रहेगी जब लोग जाएंगे, तो ये सीन है। तो कल तो बंदर आ गया था और आज आया सुअर, और सुअर तो बहुत ही बुरी हालत करता है पूरे खेतों की, तो ये चीज़ है। और चलते हैं, लगभग लकड़ी लुकड़ी का तो सारी व्यवस्था हो गई है, खाली बरसाती लानी थी और कीले लानी थी, तो वो तो मैं ला गया हूँ मार्केट से। और अभी और लोग तो पीछे से आ ही रहे हैं, दादा लोग जिन्होंने मतलब जिनको ये चीज़ बनानी है। तो चलते हैं, अब तो आगे पे दिखाता आपको, अच्छा बन गया है रहने के लिए, तो बढ़िया बन गया अब। तो ये देखो हमारा अब छोटा सा, मतलब लगभग सावन के महीने का, लगभग सावन का महीने का घर, तो यहाँ ऊपर में रहने के लिए। और देखो ये अच्छा बना रखा है, यहाँ पे आदमी रहेगा और यहाँ ऊपर से हम बरसाती डालेंगे, तो एक अच्छी चीज़ है कि नीचे से मतलब सांप सूप से भी बचने के लिए सही है, नीचे तो दिक्कत हो जाती है, यहाँ नीचे रहते ना तो दिक्कत हो जाती है, तो ऊपर एकदम सही हो गया। ये देखो पूरा एकदम अच्छा बना दिया,
यहाँ ऊपर हम बरसाती डालेंगे और इधर उधर से थोड़ा ऐसे हो जाएगा। और यहाँ देखो जो लकड़ियाँ लुकड़िया थे ना वो सब ला गए हैं। यहाँ पे बैठने के लिए एकदम सही हो गया अब, कि मतलब रात के टाइम पे अगर यहाँ पे लेट भी गए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ से भी थोड़ा ऊंचा कर रखा है क्योंकि रात को सांप बिच्छू की दिक्कत होती है। अब खेतों में है तो ऐसे नहीं घर का सीन होगा, तो थोड़ा ऊपर कर रखा है ताकि बढ़िया रहे, तो अच्छा बन गया है। और अभी देखो अभी धूप भी हो रही, थोड़ी देर पहले ना जिस टाइम हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे बारिश होना स्टार्ट हो गई थी, जिस टाइम आप सामान ले जा रहे थे ना इधर उधर, तो उस टाइम पे। और अब देखो अब एकदम बढ़िया हो गया मौसम, तो आपको एक बार ये दिखाता हूं मैं कितना प्यारा बन रखा है ये। तो अब पता नहीं किसकी ड्यूटी आएगी इस रहने के लिए एक दो दिन, भरोसा नहीं है, हमारी भी आ सकती है। अगर मेरी आएगी ना तो पक्का मैं ब्लॉग बनाऊंगा एक रात वाला यहाँ पे, अच्छा भी रहेगा ना नाइट को यहाँ आ गए एकदम एडवेंचरस टाइप, तो मजा आएगी। तो अभी और लोग सामान लेके आ रहे हैं कीलकुल, अब इसमें कीलकुल लास्ट फाइनल काम करना है, इसमें ऊपर बरसाई डालनी है फिर घर चले जाएंगे, तो लगभग काम हो गया। और देखो बांध बूंदा हमने, एक साड़ी थी पुरानी खराब हो रखी तो वो काट कूट के देखो उसे बांध रखा है पूरा, तो ये देखो अच्छे ढंग से बांधा हुआ है। और ये पुराने रिंगाल होंगे ना तो वो पुराने बच गए थे, तो यहाँ पर मैं थोड़ा अटकाने के लिए सही हो गया, ये हो गया। और यहाँ पे देखो अच्छे ढंग से एक छोटा सा छप्पर टाइप का, तो कुछ ऐसा है भैया सीन, तो रात को ऐसे रहना है यहाँ पे बैठा हुआ एकदम बढ़िया ढंग से, और यहीं पर लेटना भी है यहाँ पे तो। और एक चीज अच्छी है यहाँ नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा फास्ट नेटवर्क चलता है यहाँ पे, तो ये चीज है। और लोग भी आ गए, चाचा जी भी आ गए हैं सामान लेकर के, तो अब हम इसको बरसाती डालेंगे और काम खत्म हो गया फिर कील कुल से थोड़ा बहुत, तो बस हो गया। तो ये बन गया देखो आप, तो अभी देखो इसको चारों तरफ से बांधा जा रहा है बरसाती को देखो, तो उसको बांधेंगे और फिर यहाँ रहने के लिए हो जाएगा। तो अभी ऐसा कुछ बनाया ये छप्पर, ये देखो काम चल ही रहा है यहाँ पे। और यहाँ से एक चीज़ है कि सारे खेत दिखाई देते हैं, इस साइड भी खेत है तो वो भी दिखाई देंगे और उस साइड भी जो खेत है वो भी दिखाई देंगे, तो ये चीज़ अच्छा है थोड़ा बहुत। वो कुछ इस प्रकार से बनाया ये छोटा सा छप्पर देख सकते हो, छोटा सा घर जो आजकल यहाँ पे रखवाली करेंगे तो उनके लिए, तो ये चीज़ अच्छा है। और यहाँ से ठीक यहाँ पर पड़ता है हमारा घर, तो यहाँ पर में से यहाँ पे ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे रात को हल्ला वल्ला भी हो जाता है तो वो चीज़ सही रहती है। तो अभी फ़िलहाल तो ये बन गया है, तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं घर की तरफ, अब बहुत टाइम भी हो गया तो घर की तरफ चलते हैं, तो ऐसे बचाते हैं यहाँ पहाड़ों में खेती को। तो ये चीज़ देखा आपने, तो फाइनली वो बन गया है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं आपको अगली पहाड़ी लाइफस्टाइल वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और पहाड़ी ब्लॉग्स देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।